आशीष राज बंधु एंड आई एम गोइंग टू टीच यू द मुस्लिम लॉ और मुस्लिम लॉ हम लोग आज शुरू करेंगे दिस इज अवर फर्स्ट क्लास तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आई शुड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू ऑल ऑफ यू तो मेरा संक्षिप्त सा परिचय मैं दे देता हूँ इसके बाद आई विल स्टार्ट माय क्लास माई नेम इज आशीष राज बंधु नाम आई एम गोइंग टू टीच यू द मुस्लिम लॉ आई एम टीचिंग हेयर फ्रॉम द लास्ट थ्री ईयर्स एंड मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में लॉ सेंटर वन में भी मैंने पढ़ाया वहाँ पे डेढ़ साल इसके बाद कैंपस लॉ सेंटर और फिलहाल मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ तो कुछ लोगों को थोड़ा सा जब मैं एंट्री करता हूँ क्लास में तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एज के फैक्टर से बट आई एम टीचिंग फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स इट इज़ नॉट एन ईश्यू सो हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे ठीक है और वो हमारा होगा मुस्लिम लॉ एकदम स्टार्टिंग से मुस्लिम लॉ शुरू करेंगे और आज की जो हमारी क्लास होगी टुडेज क्लास इट इज बेसिकली द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द मुस्लिम लॉ कि वी विल डिस्कस अबाउट द ओरिजिन एंड इंसेप्शन ऑफ द मुस्लिम लॉ व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मुस्लिम लॉ हु इज द दिन ओरिजिनेटर ऑफ द मुस्लिम लॉ हाँ ओके तो इसको जो है हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं दिस इज अवर टॉपिक एंड व्हाट आर दोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ बिकॉज सोर्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन ऑफ द एवरी सब्जेक्ट जब भी आप कोई पेपर देंगे मीन्स का डेफिनेटली यू विल गेट एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम दोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ वन फिक्स क्वेश्चन फ्रॉम दोर्सेज वेदर दे विल आस्क फ्रॉम दोर्सेज ऑफ द हिंदू लॉ Otherwise, they will ask from the sources of the Muslim law. This is the fixed question. If you look into the previous year paper of the Bihar Judicial Service Examination, Haryana Judicial Service Examination, where the importance of the family law is little bit high. So, this is the deduction of our assessment. You will get at least one question from the sources of Muslim law. So, in our today's topic, we will cover this. Dear students, prior to the Islam.

prior to the islam, society was divided into the tribes, committees, many sects. there was no organized society. there was a chaos in the society. so whenever read the muslim law, don't judge the muslim law from the current scenario. i'm telling you one thing very clear. you have to do compar comparative analysis from the inception. यू हैव टू डू दनालिस फ्रॉम दैट टाइम ऑफ सोसाइटी वॉट विनरी ऑन दैट टाइम एंड देन थिंक अबाउट इट ओके सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मुस्लिम लॉ द इस्लाम वॉज ओरिजिनेटेड बाय द प्रोफेट मोहम्मद साहब हु इज द प्रॉफेट मोहम्मद साहब प्रॉफेट मोहम्मद साहब व ऑफ द मैसेजर ऑफ द गॉड ही व ऑफ द मैसेजर ऑफ द गॉड गॉड मीस अल्लाह एंड वॉट इफ द मेन मीनिंग ऑफ द इस्लाम

सो मुस्लिम इज दैट पर्सन हु बिलीवस इन दिला इमद अरसूल्लाह टू थाउजेंड एटीन के इंटरव्यू में दो हजार अठारह का जब इंटरव्यू हो रहा था यूपी का तो यूपी के जो बोर्ड मेंबर्स थे पी सी एस के दे आस्क क्वेश्चन टू स्टूडेंट कि हु इज द मुस्लिम एंड दे बिलीव्स इन द इस्लाम दिस दैट दे वॉज सीकिंग फॉर वन लाइन आंसर दैट इज द स्टेटमेंट विच वॉज गिवन बाई मी एक लाइन से अगर हम शुरू करें कि इस्लाम क्या है तो हम इस्लाम को इस तरह से मानते हैं कि दोज हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ वन गॉड इज नो अदर गॉड एंड साहब द ऑफ द गॉड दैट इज द इस्लाम बस वन लाइन खत्म इफ वी लुक इन टू दिचुअल अच्छी अच्छी बातें भी करनी है है ना इफ वी लुक इन टू दिचुअल स्परिचुअल पर्पज अच्छी अच्छी बातें भी करनी है तो हमें एक कहना है कि व्हाट इज पर्पस ऑफ द इस्लाम द मेन पर्पस ऑफ द इस्लाम इज वर्ड पीस अकॉर्डिंग टू मोहम्मद साहब। व्हाट इज पर्पस ऑफ इस्लाम दैट वर्ल्ड पीस यह है सभी धर्मों का उद्देश्य यही था कि विश्व में शांति की स्थापना हो लुक प्रायर टू द इस्लाम सोसाइटी वॉज वेरी प्रिमिटिव सोसाइटी देर वॉज नो रूल एन लॉ एंड ऑर्डर इन दिस सोसाइटी ट्राइबल सोसाइटी कबिलाई संस्कृति थी लोग ट्राइबल्स में कम्यूटीज में रहते थे है ना कोई नियम कोई कानून नहीं टोटल लॉ एंड ऑर्डर सो ऑन दैट टाइम इस्लाम वॉफ द रे ऑफ होप पहला ऐसा अरेंजमेंट इस्लाम हुआ जिसने सोसाइटी में एक ऑर्डर को स्थापित करने की कोशिश करी थ्रू दुरानस थ्रू द कुरान कुरान इज द मेन सोर्स ऑफ इस्लाम सो ओरिजिन ऑफ द इस्लाम जो हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से सोसाइटी में एक प्रकार की व्यवस्था अरेंजमेंट्स का भी जो है स्टार्टिंग वहीं से होना शुरू हुई क्योंकि अगर आप देखें कि आज के टाइम में और कल के टाइम में सोसाइटी बहुत बटी हुई थी इवन इंडिया डिवाइडेड टू वॉफ डिडी पार्ट छोटे छोटे राजा हर एक के अपने अपने कॉन्फ्लिक्स यही हाल पूरी दुनिया का था दैट्स वाई द दिस इट वॉफ द मेन रीजन कि इस्लाम दुनिया में बड़ी तेजी से फैला क्योंकि टोटल कियोस उसमें एक ऑर्डर दे दिया एक व्यवस्था इन द कुरान तो एक अनऑर्गेनाइज सोसाइटी विदाउट द लॉ और इसके तुरंत बाद हमें कुरान मिल गया जिसमें लगभग लगभग छह हजार आएते हैं यानी छ हजार रूल एंड रेगुलेशन हमें मिल गए कि हाउ टू गवर्न सोसाइटी हाउ टू रन सोसाइटी तो इस तरीके से आप जरा सोचने की कोशिश करें जैसा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ऐसा सोसाइटी जहां पर कंप्लीट फेलियर ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर और इसके तुरंत बाद हमें इस्लाम आया और इस्लाम हमें बता रहा है कि हाउ टू लिव अवर लाइफ तो इट वॉज अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है ना सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं लग रहा आपको पहले तो सब लोग ऐसे ऑल फेसेस आर स्टेरिंग एट मी तो सभी फेसेस ऐसे लग रहे हैं कि, कि कौन है मैं कंफर्टेबल हो जाओ पहले तो आप मेरे से है ना आप कुछ बच्चे मेरे से पढ़े भी हो सकते हैं यूनिवर्सिटी में डीयू में कोई है आप पढ़े हैं मेरे से कब के बैच के हैं आप अच्छा 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 ओके अच्छा, 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 तो इसीलिए मैंने कहा कि हो सकता है कुछ मेरे विद्यार्थी भी हों और आफ्टर दैट यू आर लुकिंग एट मी कि एकदम समझ नहीं पा रहे हैं क्या चल रहा है तो मुझे कंफर्टेबल करना पड़े क्या आप लोग को खैर कोई ना एकदम देखो ऐसा है कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा वॉट एवर आई एम गोइंग टू टीच यू दैट विल हेल्प यू इन अलॉट इन योर एग्जामिनेशन बिकॉज टीचिंग में पूरी तरीके से आने के पहले आई वाफ द जुडिशल सर्विस एक्सपिरंट सो आई कैन अंडरस्टैंड दॉट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन सो आप मेरे अनुभव से सीख सकते हैं है ना तो आप जो है मैंने अनगिनत मीनस दिए और ढेरों इंटरव्यू दिए बावजूद इसके मेरे उस अनुभव से कि जज कैसे बनना है और कैसे नहीं बनना ये आप मेरे से सीख सकते हैं तो बिल्कुल आप बेफिक्र होकर बैठें आपको जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो सब समझ में आएगा वन थिंग एंड सेकेंड इज फील फ्री टू आस्क एनी थिंग दिस इज द लिबर्टी टू ऑल द स्टूडेंट्स आस्क व्हाट एवर यू वॉन्ट टू आस्क आई विल नॉट स्टिक टू योर टॉपिक व्हाट एवर आई एम टीचिंग इफ आई एम टीचिंग द मुस्लिम लॉ यू कैन आस्क व्हाट एवर यू वॉन्ट टू आस्क दिस इज माई लिबर्टी टू ऑल ऑफ यू

लेन टू मी ओके बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि सर जी क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे है ना बिल्कुल बेफिक्र होके आप बैठें और मेरे से पढ़ें ठीक है अभी भी कोई दिक्कत है किसी को है खैर कोई ना सो हम वी आर डिस्कसिंग द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द इस्लाम ठीक है आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग वेरी क्लियर दे इज अर टू टाइप ऑफ लॉज नंबर वन विच इज द टेरिटोरियल लॉस नंबर टू दर्सनल लॉस टेरिटोरियल लॉस आर दोबल टू दी वाई आर यू टॉक ये तो फिर बतमीजी है न थोड़ा सा सुन लें मैं बोल रहा हूँ यू आर टॉकिंग कोई नहीं आप सुन लें हमें कोई ना मैं ये कह रहा हूँ कि दो तरह के लॉस होते हैं टू टाइप ऑफ लॉ लॉज आर क्लासीफाइड इन टू दैनी कैटेगरी प्रोसीजर वी आर नॉट गोइंग ऑन दैट एरिया दस अर टू टाइप्स ऑफ लॉस लॉज वन आर दियल लॉज टेरिटोरियल लॉज विच आर एप्लीकेबल टू दिफिक टेरेटरी लाइक आई पी सी सी आर पी सी कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर टाइप इफ द आपका पर्सनल लॉज विच इज एप्लीकेबल टू देशल कम्युनिटी इन टू देशल रेफरेंस नॉट टू दूनिवर्सली लाइक पर्सनल लॉ सो इस्लाम जो है मुस्लिम लॉ जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस द पर्सनल लॉज Which is applicable only to the Muslims in certain issues like inheritance, marriage, divorce, meher, waqf, right? gift. Okay, only to that area, not to the criminal areas. There, uh, there is a uniform process. That is the Code of Criminal Procedure, IPC, CRPC, that there is a universal application of that, that laws. So, we are going to discuss the personal laws, Muslim law.

लाइफ ऑफ मोहम्मद साहब ऑफ दि फुल ऑफ मिज़री माँ मर गई पिता मर गए ग्रैंडफादर ने पाला फिर वो भी मर गए फिर उनके चाचा ने उनका पालन पोषण किया तो इनकी लाइफ जो है प्रॉफिट साहब की फुल ऑफ जो है मिज़री है फुल ऑफ़ ट्रस्डी है बावजूद इसके मोहम्मद साहब ने जो है धीरे 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 नॉलेज को एक्वायर किया और नॉलेज को एक्वायर करने के बाद इन्होंने जो मेन इनका जो मैसेजेस हुए वो मैसेज में कन्वे होना शुरू हुए जो मैसेज में कन्वे होना शुरू हुए कुछ में इनके एक या दो इनके फॉलोवर बने और इसके बाद वो संख्या बढ़ती गई वो जो संख्या बढ़ती गई दैट नंबर्स जो है वो बढ़ती गई और वो जो है इस्लाम का प्रसार के रूप में देखा जाने लगा शुरुआत में जो है देर वॉज नो लॉ एंड ऑर्डर जैसा मैंने बताया इस्लाम आया इस्लाम में उन सारे रूल्स को एग्रीकेट किया गया इन द फॉर्म ऑफ़ कुरान कुरान इज द मेन एंड इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ Quran is the main. There is many sources of the Muslim law, but Quran is the main and important source of the Muslim law. More than six thousands थाउजेंड्स embodied in the Quran. ठीक है बहुत सारे आयतें हैं जिसमें जो इस्लाम के लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित हैं उनके लाइफ स्टाइल को रेगुलेट करने से संबंधित हैं दैट इज मोस्टली एट इज हैं तो बहुत सारी बातें लेकिन ओनली सर्टन आयत्स टू the लॉ एंड ऑर्डर एंड टू डील विद द लाइफ स्टाइल ऑफ़ द मुस्लिम दैट इज द मोस्टली एटी आयत्स ऑफ द कुरान सो शुरू स्टार्ट में अब मैसेज किसने दिया अल्लाह का मोहम्मद साहब को एक एंजल था जिसका नाम था गैब्रियल ठीक है सो दिस दीज आर ऑल नॉट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बट यू मस्ट नो बिकॉज वी आर डिस्कसिंग दिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ना इंट्रोडक्शन ऑफ द इस्लाम सो दैट्स वाई वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल सच टाइम काइंड ऑफ टर्म्स तो एक एंजल था जिसका नाम था गैब्रियल और गैब्रियल ने जो है अल्लाह की बातें सारी की सारी जो है किसको को कन्वे करी प्रॉफेट मोहम्मद साहब को समय बीता गया प्रॉफेट मोहम्मद साहब के जन्म तक देर वॉज नो कॉन्फ्लिक्ट ठीक है देर वॉज नो कॉन्फ्लिक्ट जब तक प्रोफेट मोहम्मद साहब थे सारा का सारा इस्लाम यूनिफाइड था प्रोहमेट मोहम्मद साहब के जाने के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ इस्लाम के अंतर्गत मोस्टली दो कमेटी निकलकर हमा, हमारे सामने आई देर वॉज अ टू कमटीज सियाज एंड सुनीस ठीक है बोथ वर्दी फॉलोअर ऑफ द बोथ वर्दी फॉलोअर ऑफ द इस्लाम बट देर वॉज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग दक्सेसर ऑफ द इस्लाम

फातिमा के कजन भी थे और जो फातिमा के हस्बैंड थे अली साहब अली साहब को अगला प्रॉफिट बनाने की बात की गई ऑन द बेसिस ऑफ द एंसेस्ट्रल सिस्टम अरेंजमेंट कि मोहम्मद देर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट इन इस्लाम टू कमिटीज वन वो सेइंग कि जो इस्लाम को आगे लेकर जाएंगे वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब की फैमिली से होने चाहिए और दूसरा जो इस्लाम को आगे लेकर जाएगा वो होना चाहिए इस बेसिस पे कि मजोरिटी रूल के आधार पर कि जो इस्लाम को मानने वालों की बड़ी संख्या है उसके आधार पर हम इस्लाम को लेकर आगे जाएं तो जो दूसरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस से इस्लाम का प्रॉफिट अपॉइंट करने की बात करते थे वो बने सुन्नीज और जो एंसेस्ट्रल आधार पर इस्लाम का प्रॉफिट बनाने की मांग कर रहे थे वो बने सियास ठीक है वो कौन बने सियास इंडिया में मेजॉरिटी जो कम्य है वो है सुन्नीज की सिंड सियाज आर इन माइनॉरिटी सम पार्ट में हैं जो इंडिया में जो मोस्टली मुस्लिम्स हैं, दे बिलोंग्स फ्रॉम द सुनी कमेटी दे बिलोंग्स फ्रॉम दी सुन्नी दमिटी और जो माइनॉरिटी है वो सिया तो है तो हु द सुन्नीज़, सुन्नीज़ वो हैं जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से वोटिंग प्रोसेस से जो इस्लाम को मानने वाले लोगों के मेजोरिटी के प्रोसेस से अगला प्रॉफिट अगला मैसेजर चुनने की बात कर रहे थे और हुआज आर दियाज दो बिलीव की अगला जो मैसेजर होना चाहिए ही शुड बी द फ्रॉम दैमिली ऑफ प्रोफेट मोहम्मद साहब यहां से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और इस्लाम डिवाइडेड इंटू दू पार्ट सियाज एंड सुन्नीस ओके इस्लाम डिवाइडेड इंटू दू पार्ट्स नंबर वन सियाज एंड सुन्नीस इट इज़ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द मुस्लिम्स सो अब जो हम देखते हैं कुछ सिया कमेटी है कुछ सुन्नी कमेटी है ये इसके अंदर भी डिवीजन हुआ सिया और सुन्नी के अंदर भी डिवीजन हुआ सिया कमेटी कई कमेटी में डिवाइड हुई सब कम कमेटी में डिवाइड हुई और सुन्नीस जो है भी कई सब कमेटीज में डिवाइड हुए तो हम एक बात कह सकते हैं वॉट इज दी अगर लिटरल मीनिंग जो है लिटरल मीनिंग ऑफ इस्लाम सबमिशन टू दी विल ऑफ द गॉड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इस्लाम अगर हम माने उसमें तो ईश्वर ईश्वर माने अल्लाह गॉड मीनस अल्लाह तो सबमिशन टू दिल ऑफ द गॉड यह है इस्लाम का मीनिंग ठीक है सबमिशन टू दिल ऑफ द गॉड अगर हम स्पिरिचुअल परपज से देखें रिलीजियस पर्पज से देखें सेकुलर परपज से देखें तो वॉट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द इस्लाम द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द इस्लाम इज टू स्टेब्लिश दर्ल्ड पीस और यह कब के आधार पर मैं कह रहा हूं उस समय के आधार पर जब सोसाइटी में एक तरीके से पूरा का पूरा कबीला वाला सिस्टम ट्राइबल्स वाला सिस्टम अपने अपने ग्रुप और वो वाला सिस्टम प्रिवलेंट हुआ करता था उस समय के हिसाब से कह रहा हूं ठीक है सो द मेन पर्पस ऑफ द इस्लाम इज द वर्ल्ड पीस सो बेसिकली दिस इज द पर्पस ऑफ द एवरी रिलीजन टू एस्टैब्लिश द पीस कोई बात नहीं सो नंबर वी हैव टू लुक इन टू द अदर एस्पेक्ट सो अदर क्वेश्चन इज हु हूज द मुस्लिम्स व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट टू बिकम ए मुस्लिम व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट टू बिकम ए मुस्लिम इफ समवन हेल्प फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी ही मस्ट बिलीव इन वन थिंग दैट देयर इज अ वन गॉड एंड प्रॉफेट साहब इज दजर ऑफ दी गॉड ठीक है अल्लाह एक है और प्रोफेट साहब जो है मोहम्मद साहब उसके मैसेंजर हैं ये मानने वाला व्यक्ति कौन है मुस्लिम है उसकी कुछ क्वालिटीज भी होनी चाहिए जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि मैं तो पांच वक्त का नवाजी मुस्लिम फाइव टाइम नवाजी मुस्लिम होते पढ़ते ना कुछ लोग नमाज की क्ली काफी अदा करते हैं सो so, अब इस्लाम है तो उसकी कुछ क्वालिटीज भी होनी चाहिए सो ए मुस्लिम मस्ट द फाइव क्वालिटीज पांच क्वालिटी उसके अंतर्गत होनी ही चाहिए ठीक है पहली बात तो उसको फुल फेथ ऑन द इस्लाम जो मैंने लाइन कही आपको कि अल्लाह इज वन एंड मोहम्मद साहब इज दी मैसेंजर पहला पहला जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि ही मस्ट बिलीव दैट वन एंड मैसेज एंड साहब इज द दसेंजर ऑफ द गॉड इट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट टू बिकम ए मुस्लिम फाइव रिक्वायरमेंट कितनी है पांच नंबर एक अल्लाह इज दोज हु बिलीव ऑन दल्लाफ दन एंड प्रोफेट साब इफ दॉड नंबर वन नंबर टू ही शुड बी द प्रॉपर नमाजी उसको नमाज पढ़ना होगा नमाज उसको अदा करनी होगी ठीक है प्रेयर ठीक है प्रेयर किसकी अल्लाह की ठीक अल्ला है तो नंबर टू नमाज डियर स्टूडेंट्स इफ यू लुक इन टू दल फाइव ग्राउंड यू विल फाइंड की कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं आर्म्स की बात हो रही है चैरिटी की बात हो रही है पीस की बात हो रही है जकात विच इज दर्म्स गिविंग

यू मस्ट लर्न दीज वर्ड्स वाई सो बिकॉज यही आएगा पहला जकत जकत माने आर्म्स गिविंग दान चैरिटी है ना जकत जकत नमाज हाँ, ह देखो फुल फेथ ऑन दी गॉड ज़कात माने आर्म्स गिविंग चैरिटी एक ही चीज है चैरिटी कह सकते हैं इतना क्या परेशान होना दान देना है ना ये बातें हैं और, और कुछ है ही नहीं नंबर 1 फुल फेथ ऑन दी गॉड नंबर 2 नमाज नंबर 3 ज़कात और नंबर 3 नंबर 4 आप पता है आपको डू यू नो कि भारत की सरकार हज कोटा डिसाइड करती है हज कोटा माने भारत के नागरिकों को हज के लिए कोटा डिसाइड करती है उनका वीजा अलोकेट करवाती है और उन लोगों को हज पे भेजती है वाई सो बिकॉज दिस इज़ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द इस्लाम हज में जीवन में एक बार जाना ही जाना है पिलग्रिमित जिसे कहते हैं मक्का की यात्रा पे तो ये जो चौथा मेन क्राइटेरिया है इसका वो है हज तो भारत की सरकार जो है लोगों का जो कोटा वीजा अलाउ करवाती है बात करके वो इसलिए नहीं करवाती कि जरूरी उनको घुमाना है कहीं पे ना ओके सॉरी थैंक यू सर कुरान को लेकर कोई है क्या सर इन द सेम इन ऑल अदर वर्ल्ड व्हाट इज द बेस्ट बुक ऑफ मुस्लिम लॉ ओके लुक बेस्ट बुक ऑफ द मुस्लिम लॉ इफ आई आई सजेस्ट की एक मोटी सी बुक है मुल्ला उसको कभी ना पढ़ना वो दैट इज द दी द रिफरेंस बुक जब कभी आपको पढ़ाना हो पढ़ना हो कोई चीज़ टॉपिक डाउट हो तो ओनली फॉर दी रेफरेंस यू कैन टेक दैट बुक ठीक है बाकी आपकी प्रांज पे है वो ठीक है और बाकी बुक बुक्स भी हैं सीएलपी की हैं एक बुक ले लो फैमिली लॉ की वो पर्याप्त है प्रांज पे बस ठीक है वो कोई बहुत ज़्यादा इस्लाम मुस्लिम लॉ का सिलेबस ना बहुत थोड़ा है अच्छा और क्वेश्चन है सर कुरान को लेकर कोई डिफ्रेंसेस है क्या डियर स्टूडेंट्स मेरी बात सुनो कुरान में डिफ्रेंसेज का कहीं कोई स्थान ही नहीं है

जो है वर्ड ऑफ दाने गए हैं डायरेक्टली फ्रॉम दल्लाह की कहीं बातों पर कोई अमेंडमेंट कर सकता है सो so इस पर अल्टरेशन भी नहीं हो सकता अमेंडमेंट भी नहीं हो सकता है ना तो कुरान जो है बहुत पायस डॉक्यूमेंट है इस्लाम का और यही मेन सोर्स है इस्लाम का हम जो भी लॉ बनाएंगे इवन हम जो लॉ बनाएंगे कोडिफिकेशन करेंगे थ्रू कोर्ट उसका इंटरप्रिटेशन भी होगा विद दी हेल्प ऑफ कुरान हमने तलाक उल बिद्दत डिक्लेयर कौन कौन कर दिया किया वो भी किया विद द हेल्प ऑफ कुरान बिकॉज कुरान डिक्लेयर सच फॉर्म ऑफ डाइवोर्स इफ दिन सो इफ वी इंटरप्रेट द लॉ इफ दूपेक्स कोर्ट इंटरप्रेट द लॉ द मेन सोर्स ऑफ दैट इंटरप्रिटेशन इज दी कुरान ओके, सो दिस इज़ दी अभी नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दी दोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ सो आगे अभी हम आने वाले हैं तो नाउ वी अभी, अभी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इस्लाम तो उसकी चर्चा करते हैं फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम है देर इज फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम वन बाई वन करके हम उसको देख रहे हैं नंबर एक फुल फेथ ऑन द अल्लाह नंबर टू नमाज नंबर थ्री जक़ात नंबर चार जो है आपका हज और रोजा रोजा जो है वो भी आपका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और एसेंशियल कंपोनेंट है इस्लाम का ठीक है क्या चीज़ रोजा ये हाँ हाँ रोजा रोजा जैसे फास्टिंग कहते हैं अभी रमजान के महीने में रोजा आप लोग थे है ना कोई ना ठीक है दैट्स गुड ओके तो फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम नंबर एक फुल सबमिशन टू गॉड नंबर टू नमाज नंबर थ्री जक़ात नंबर फोर हज और रोजा ये फाइव पिलर्स हैं इस्लाम के और इन पिलर्स पे ही पूरा एंटायर इस्लाम आपका टिका हुआ है ठीक है पूरा का पूरा इंटायर इस्लाम आपका टिका हुआ है द वर्ड इस्लाम द मेन मीनिंग ऑफ द इस्लाम इज दी सबमिशन टू दिल ऑफ़ द गॉड एंड मेन पर्पज ऑफ द इस्लाम इज टू दी इस्टेब्लिश दर्ड पीस द मेन पर्पज जो है उसका वो है वर्ल्ड पीस विश्व में शांति की स्थापना इसके अलावा अगर हम देखें सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑफ द काइंड ऑफ मुस्लिम द पीपल हु बिलीव इन द इस्लाम इज नोन ऑफ द मुस्लिम वो जो इस्लाम में आस्था रखता है वो कौन है मुस्लिम है तो मैं मुस्लिम कब हूं जब मैं इस्लाम में आस्था रखता हूं ठीक है तो बिलीवर इन द इस्लाम इज नोन एज मुस्लिम अब मुस्लिम कैसे बना जाए मुस्लिम कितने तरीके के होते हैं इस पे भी है टू टाइप ऑफ मुस्लिम नंबर वन मुस्लिम बाई बर्थ एंड नंबर टू मुस्लिम बाई कन्वर्जन ठीक है नंबर वन मुस्लिम बाई बर्थ मुस्लिम बाई कन्वर्जन मुस्लिम बाई बर्थ

विच इज रिलेटेड टू द मुस्लिम लॉब्स वो इंटरप्रेट करती हैं मुस्लिम के संदर्भ में तो अगर ध्यान इन द इंडियन कॉन्टेक्स लुक इन द इंडियन कॉन्टेक्स इन द वेरी केस ऑफ द इंदिरा गांधी वर्सेज फिरोज गांधी दे व डिसीजन रिगार्डिंग द रिलीजन ऑफ द राजीव एंड संजय गांधी वट आई एम गोइंग टू टेल यूंगर वेरी क्लियर फादर ऑफ द पर्सी एंड मदर ऑफ द हिंदू

मदर एंड फादर बोत आर दी मुस्लिम जो बच्चा है होगा, अपने मुस्लिम होगा इफ मदर जो है वो है आपकी मुस्लिम और फादर अदर रिलीजन से है इफ मदर एंड फादर में कोई एक मुस्लिम है देन वी लुक इन टू द्रिंगिंग ऑफ दैट किट ठीक है कैसे उसकी अपब्रिंगिंग हुई है इतनी सी बात है आर यू गेटिंग दिस पॉइंट है ना कि दो तरीज टू टाइप ऑफ मुस्लिम्स मुस्लिम बाय बर्थ मुस्लिम बाय कन्वर्जन मुस्लिम बाय बर्थ वन हु आर द क्रिएशन ऑफ द मुस्लिम मदर एंड फादर ही विल बी ए मुस्लिम अगर मम्मी पापा में से कोई एक मुस्लिम है देन वी लुक इन टू द डेवलपमेंट कि उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ ठीक है किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ है ना कि क्या और क्या क्या उसकी नर्चरिंग कैसे हुई ठीक है तो सेम प्रोसेस जो है उसके संदर्भ में है रिगार्डिंग दैट पॉइंट दूसरा जो है कन्वर्जन लुक दे इज नो प्रोसेस ऑफ दन्वर्जन कन्वर्जन के लिए हमें यह करना पड़ेगा यह करना पड़ेगा कुछ नहीं ठीक है सेम प्रोसेस लाइक हिंदू जो प्रोसेस मैंने इस्लाम के बताए जो व्यक्ति डिक्लेयर करके उन बातों को मानना शुरू कर देगा वो इस्लाम बन जाएगा वो मुस्लिम बन जाएगा तो कोई भी व्यक्ति कन्वर्जन करके भी मुस्लिम बन सकता है और देर इज नो प्रोसेस फॉर दी कन्वर्जन कि आपको यह करना होगा यह करना होगा यह करना, करना होगा ऐसा कुछ भी नहीं है देर वॉज देर इज नो पर्टिकुलर प्रोसेस टू बिकम ए मुस्लिम रिगार्डिंग दी कन्वर्जन यू कैन बिकम ए मुस्लिम बाय दी कन्वर्जन देर ए नो प्रोसेस सिंपली यू कन्वर्ट यूर सेल्फ टू मुस्लिम और इस्लाम ठीक है तो ये बातें जो है आपके सामने है कि कोई भी स्पेशल ये क्राइटेरिया नहीं है कि यू हैव टू फॉलो दिस पथ टू बिकम ए मुस्लिम यू हैव टू ऑब्जर्व दिस काइंड ऑफ रिचुअल्स टू बिकम रिचुअल मुस्लिम इज नो सच काइंड ऑफ प्रोसेस नो सच काइंड ऑफ फॉर्मूला सो यू समन कैन बिकम द मुस्लिम बाय द कन्वर्जन ए पर्सन में पब्लिकली डिक्लेयर दैट ही इज गोइंग टू बी कन्वर्ट टू द मुस्लिम ही मे बी मुस्लिम कोई इशू नहीं डिक्लेयर कर दे पब्लिकली मुस्लिम वो हो गया कोई यूनिफॉर्म प्रोसेस नहीं है देर नो यूनिफॉर्म प्रोसेस टू फॉलो दिस पद फॉलो दिस रिचुअल्स कॉल दी इमाम काजी और वो तुम्हें मुस्लिम बनाए ऐसी कोई जरूरत नहीं है ठीक है और एक तरीका सिर्फ ये कि यू डिक्लेयर योर सेल्फ एंड बिकम द मुस्लिम और दूसरे तरीके और भी हैं कि आप इस्लाम की पद्धतियों पर आस्था व्यक्त करें और को, कोई कोई आके आपको जो है मुस्लिम आपको मानना शुरू कर दे दूसरा प्रोसेस आपका ये भी है सो so, दूसरा तरीका आपका ये है तो दो तरीके से मुस्लिम बन सकते हैं हु इज़ दि सब्जेक्ट मैटर ऑफ मुस्लिम लॉ मुस्लिम लॉ इज़ पर्सनल लॉ बेसिकली पर्सनल लॉ पर्सनल लॉ माने मुस्लिम्स के कुछ सब्जेक्ट मैटर्स हैं जो मैंने आपको बताए जैसे मैरिज डाइवोर्स मेहर इनहेरिटेंस गिफ्ट वक्फ ये सारे इश्यूज मुस्लिम पर्सनल लॉ से संबंधित हैं और जो इस्लाम मुस्लिम बन जाएगा वो इन मैटर्स के वो पर्सनल लॉ से डील किया जाएगा टूडे गवर्नमेंट वॉज ट्राइंग टू कॉडिफाई दी ऑल दैट पर्सनल लॉज कोशिश कर रही है गवर्नमेंट उनको सरयत एक्ट नाइनटीन थर्टी सेवन वॉट द मुस्लिम रूल्स एंड रेगुलेशन है ना एक इंस्टीट्यूट बना के जो बातों को प्रैक्टिस को कर रहे हैं उनको हम एक इंस्टीट्यूट बनाकर लेकर आए डिजॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट नाइनटीन थर्टी थर्टी नाइन है ना तो ढेर सारे एक्ट ऑफ गोड गवर्नमेंट कोडिफिकेशन बना के उनको कोडिफाई करने की कोशिश कर रही है लेकिन अपनी तरफ से कुछ नहीं होगा मेन सोर्स इज मेन सोर्स क्या है आपका कुरान और दूसरी जो बात है कुरान इज मेन सोर्स ऑफ द मुस्लिम लॉ वन थिंग और गवर्नमेंट इज जस्ट इंटरप्रेटिंग द एंड देशन ऑफ द इस्लामिक लॉज विद द हेल्प ऑफ कुरान तो हम पर्सनल लॉज है हम छेड़ नहीं सकते ठीक है लेकिन हम उनको कोडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कुरान ताकि उनके पर्सनल लॉस जो है उनसे अलग ना होने पाए नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड स्कूल्स ऑफ़ द मुस्लिम लॉ एज़ आई टोल्ड यू मुस्लिम लॉ डिवाइडेड इस्लाम इज इनटू द टू दू कैटेगरीज नंबर वन सियाज एंड सुन्नीज़ विद वेन वी रीड द इंस्टीट्यूट रीड द बुक्स वी फाइंड दैट दि सियाज आर दी मोस्ट मोर लिबरल टू दी सुन्नीज अगर ये बात मैं कहूँगा तो सुन्नी होंगे नाराज़ होंगे लेकिन सियाज होंगे वो नाराज़ होंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे को ऐसा कहते हैं लेकिन जब हम रूल्स एंड रेगुलेशन को इनकी पद्धति को पढ़ते हैं तो वी फाइंड की सियाज आर दी मोरल मोर लिबरल थोड़ा सा प्रोग्रेसिव लिबरल तो नहीं कहेंगे मोर प्रोग्रेसिव के बारे में जो हम अगर एक तरीके से कहना चाहें कि थोड़ा सा जो है प्रोग्रेसिव है क्यों क्यों प्रोग्रेसिव है क्योंकि इनका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा लिबरल है। सोर्सेस क्या होंगे सर सोर्स क्या होंगे आपने मेरे से प्रश्न किया इस्लाम के क्या सिर्फ प्रोफेट मोहम्मद साहब की बातें होंगी मैंने कहा दट इज दाइमरी सोर्स सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ इज डिड

इस्लाम दिस want, अगर बच्चे की अप्रिंगिंग दोनों रिलीजन से हो तो देखो ऐसा है कि अब अगर दोनों रिलीजन से हो तो मैं डियर में क्या कहूँ वो हो सकता है कि वो सेकुलर बच्चा पैदा हो जाए हैं वो कहेगा कि ये भी मेरा ये भी मेरा है तो ये भी हो सकता है तो दिस इज द क्वेश्चन तनिशा दिस इज द मैटर ऑफ फैक्ट इट विल बी डिस आफ्टर लुकिंग इन टू दी फैक्ट्स और आप लोग जब जज बन जाएंगे तो ये विल डिसाइड वेट बेटर कि उसको हिंदू माना जाएगी मुस्लिम माना जाए है ना तो ये दूसरा क्वेश्चन है सर फादर इज ए मुस्लिम तो मैंने इसको बता दिया डिक्टेट कर दिया सो so, प्यारे बच्चों नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी सोर्सेज ऑफ द इस्लाम मेरी कोशिश डियर स्टूडेंट ये रहती है कि मैं जब पढ़ाऊँ ना तो मैं I used to repeat my my important statements. Why so? ताकि तुम्हें ना क्लास में ना वो बातें थोड़ी सी याद हो जाएँ है ना ताकि घर में जाए ना तो काम चल जाए बस कोशिश मेरी ये होती है कि आई यूज टू बिलावर माई स्टेटमेंट वाई सो बिकॉज कि आपको ना आपके जहन में जाके मैं आपका मन ना भी कर रहा हो पढ़ने का तो ज़बरदस्ती में थोड़ा सा वो बातें आपके दिमाग में डाल दूँ ये मेरी कोशिश जो है रहती है सो so, प्यारे बच्चों ठीक है ठीक है ओरिजिनेशन कैसे क्या सोर्स क्या है तो देस एर टू सोर्सेस ऑफ इस्लाम नंबर वन मेरे साथ साथ बोलो प्राइमरी सोर्स एंड नंबर बोलने को राजी ही नहीं <laughs> कितनी क्लास ले चुके हैं आप लोग है? आपको पता है मैं कितनी क्लासेस ले चुका आप बैठ के मुझे सुन रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूँ अभी जस्ट मैंने दो घंटे की कौन्टी क्लास ली है तुरंत अभी और मेरे को पंद्रह मिनट का भी ब्रेक नहीं मिला तो मैं तो बोल रहा हूँ थकने के बाद आप तो पढ़ रहे हैं और आपको जज बनना है है ना तो आप थोड़ी सी अपनी ऊर्जा के लेवल को हाई रखें है ना तो मैं समझ रहा हूँ कि शाम तक आते आते, आते आते आप थक जाते हैं बट थोड़ा सा कॉपरेट करें मैं बोल रहा था अभी तक आपकी क्लास के पहले मैं पूरी दो घंटे की क्लास लेके आया हूँ कौस्ती की तो मैं तो बोलना तो एनर्जी और लगाता है ना है ना सो so, कोई बात नहीं दे टू सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ नंबर वन प्राइमरी सोर्स एंड नंबर टू सेकेंडरी सोर्स आप लोग ने मेरी चाय भी ठंडी कर दी मुझे बताया भी नहीं टेस्टी नहीं रही अभी इसमें मेरी बात सुनो कोई भी पेपर जहाँ पर मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ पूछा जाएगा बड़े ध्यान से सुनो एक क्वेश्चन तो सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ से आएगा डियर स्टूडेंट्स आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करना होता है लेकिन अगर आप वाइजली काम करेंगे आप अपने मुस्लिम लॉ के टॉपिक को को डिमार्केट करेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है देखो सोचो अभी मेरे साथ साथ सोचो पढ़े हो लॉ में नंबर वन सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ नंबर टू मैरिज नंबर थ्री डाइवोर्स नंबर फोर शॉर्ट नोट इद्दत और मेहर पे चौथाई बन सकता है नंबर पांच डिफरेंस बिटवीन सी एंड रिगार्डिंग पूरा प्रोसेस के बारे में है ना पूरा का पूरा प्रोसेस में नंबर छ एक शॉर्ट नोट किस पे वक्त पे है ना एक शॉर्ट नोट का क्वेश्चन नंबर फोर एक हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन फ्रॉम द डाइवोर्स है ना एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपका प्री से कभी आएगा कभी नहीं आएगा प्रियम्शन से राइट टू प्रियम्शन से है ना कभी पेपर बहुत टप बनाया तो इनहेरिटेंस से एक शॉर्ट क्वेश्चन मुस्लिमों में दस क्वेश्चन भी आपको नहीं बने मेंस के लिए बने नहीं बने अगर आप अपनी तैयारी को टारगेट ओरिएंटेड वे में फोकस कर लें तो क्या गल गड़बड़ी होने है? हाँ वो भूल गया मैं एक क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट यूपी है तो आएगा ही आएगा हिबा हिबा लेवज हिबाबा सरतुलवज ले तो अब दस एरियाज आपके निकले अब आप बताओ मुझे पढ़ना तो आपको पेपर के टाइम दस एरियाज है लेकिन इफ़ यू वॉन्ट टू डेवलप ए गुड अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू रीड द एंटायर सिलेबस इसलिए हम ये सब पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा सिलेबस अगर आप देखें तो इट इज़ वेरी लिमिटेड सिलेबस नहीं देख रहे हो आप मुझे बताओ बोल ही नहीं रहे यार प्लीज तो पार्टिसिपेट तो करो केवल दस टॉपिक आ रहे कि नहीं आ रहे जिसमें एक टॉपिक हम आज पढ़ रहे हैं इसको कल जो है कवर करेंगे पूरा सो बस मैं कह रहा हूं कि अगर स्मार्ट वर्क करोगे तो रास्ते आपके आसान हो जाएंगे अभी तो सब यही डिकोड करने की कोशिश मेरे चेहरे को ही समझने में लगे हैं खैर कोई नहीं

प्राइमरी सोर्स इज डिवाइडेड इनटू डिवाइडेड इनटू दी फोर कैटेगरीज और उसमें जो सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट सोर्स है दैट इज दी कुरान कुरान अब कुरान के बाद आ रहा है आते हैं जो मेन और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है दैट इज द कुरान वाई इट इज सो इंपॉर्टेंट बिकॉज ऐसा माना जाता है वर्ड रिटर्न इन द कुरान इज द अटर्ड बाई द अल्लाह अब अल्लाह की कहीं बातों पे कोई क्वेश्चन उठा देगा किसी में इतनी हिम्मत है ना है नहीं है सो कुरान इज द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द मुस्लिम लॉ सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है और इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड कुर्रा है? हाँ क्या फॉलो करना है कुरान जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट सोर्स है और कुरान जो डेवलप हुआ एक अरेबिक वर्ड है कुर्रा उससे ये डेवलप हुआ उससे ये बना कुरान के बारे में बोला जाता है कि दिस इज मैसेज फ्रॉम द अल्लाह टू दॉफेट मोहम्मद साहब टू फॉर दलेंस फॉर बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड सीधा अल्लाह के द्वारा दिया गया मैसेज है कुरान और वो किसको है दिया गया स्वयं प्रोफेट मोहम्मद साहब को इसलिए इफ समथिंग इज रिटन इन द कुरान सिडर दैट इज नॉट रेलिवेंट फ्रॉम द करंट सीनरियो डेस्पाइट दैट उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता मेरी बात समझ रहे हैं मैनी थिंग्स रिटर्न इन दुरान विच इज नॉट प्रिवलेंट इन द करंट सीनरियो विच इज इनरेवेंट बिकम इनरेवेंट इन द करंट सीनरियो क्योंकि आज से उतने पुराने सौ साल पहले के हिसाब से लिखी गई बुक है सो so अगर आज की डेट में इरेवेंट लग रही है तो डेस्पाइट आप उसका रेलेवेंट नहीं बोल सकते भाई सो बिकॉज दैट इज दर्ड्स अटर्ड डायरेक्टली फ्रॉम दी गॉड, सो दैट्स दैट इज़ वेरी पायस बुक और उसकी इंपॉर्टेंस और पायसनेस बहुत हाई है पोजिशन टू इग्नोर दैट बुक है ना दी कुरान इफ दटेंस होज देर इज मोर देन सिक्स थाउजेंड आयथ इम्बोडाइड इन दी

इस्लाम के जो उन रिचुअल्स के बारे में कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इनहेरिटेंस मैरिज डाइवोर्स यानी उनकी लाइफ स्टाइल को स्टाइल को डील करने वाली बातें आपकी हैं ठीक है मेन सोर्स इज कुरान के बाद जो मेन सोर्स है वो सुन्नत ठीक है सुन्नत चैप्टर्स तो वन हंड्रेड एंड फोर्टीन लगभग और देखो ऐसा है ना कि आई एक बात और समझो प्यारे बच्चों एक बात को और अपने जहन में रखना कि आई एम नॉट द मुस्लिम फ़िलासफ़र आई एम अ लॉ टीचर ठीक है सो डोंट एक्सपेक्ट मी कि इस्लाम की सारी गहरी बातें मैं तुम्हें तो समझा सकूंगा, उसके लिए आपको किसी मुस्लिम मुस्लिम स्कॉलर uh, के पास जाना होगा आई एम हेयर टू टीच यू द मुस्लिम लॉज ठीक है इस्लाम से संबंधित जो लॉज हैं वो मैं आपको समझाने की बताने की कोशिश करूँगा वो मैं समझाने की कोशिश करूँगा ठीक है तो फर्स्ट इज द कुरान सेकंड इज द सुन्नत ठीक है नंबर थर्ड इज इज्मा 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 इज्मा, इज्मा।, इज्मा।, इज्मा। नंबर थर्ड इज इज्मा नंबर फोर इज कियास जिसे हम कयास भी कहते हैं नहीं कयास कयास लगाना दिस इज़ द वेरी पॉपुलर वर्ड है ना अपने बीच में कि क्यों कयास लगा रहे तो कयास ना उर्दू वर्ड है अरबिक वर्ड है कियास वाला वो यही वाला है ठीक है वो यही वाला है देखो अब हम डिस्कस करते हैं वन बाई वन

कुरान से ही अपनी पावर को डिराइव कर रहे हैं कुरान से ही अपनी पावर को ले रहे हैं कुरान से ही अपनी शक्ति को एक तरीके से ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरा है सुन्नत सुन्नत माने की ट्रेडिशन ऑफ द प्रॉफेट साहब लुक नॉट ओनली वर्ड्स ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद साहब बट द लाइफ स्टाइल ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद साहब इज ऑल्सो द रिमार्केबल पथ ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद साहब जिस रास्ते पर वो चले हर मुस्लिम को उसी पथ पर चलना चाहिए जो उनकी लाइफ स्टाइल थी उसी लाइफ स्टाइल को हमें ट्रेडिशन ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद साहब ठीक है ट्रेडिशन ऑफ द प्रोफेट मोहम्मद साहब की इसी को एक तरीके से हदीस भी इसी को हदीस भी कहते हैं आप लोग इन शब्द को बहुत सुनते होंगे डे टू डे लाइफ में बहुत सुनते नहीं होंगे तो कभी तो सुनते होंगे चर्चा में कहीं तो सुना होगा है? कहीं चलो खैर कोई बात नहीं तो अभी सुन लो अभी हम पढ़ रहे हैं तो इसी को सुन अभी सुन लो तो जो दूसरा है वो सुन्नत है सुन्नत इज द ऑफ द प्रोफेट मोहम्मद साहब आई एम टेलिंग यू कि नॉट ओनली दी वर्ड्स नॉट ओनली मैसेज ऑफ दोफेट मोहम्मद साहब इज रिमार्केबल एंड टू बी फॉलोड बट द लाइफ स्टाइल लाइफ स्टाइल ऑफ द प्रोफेट मोहम्मद साहब इज आल्सो रिमार्केबल एंड दिस इव द ड्यूटी ऑफ द एवरी मुस्लिम्स कि उन पथ पर चले उन रास्तों को चले उनके बताए गए रास्तों को उनके बताए गए उन पथ को फॉलो किया जाए किसके द्वारा मुस्लिम्स के द्वारा वो एक सोर्स है वो एक मेन uh, सोर्स है इस्लाम का कुरान के बाद ठीक है तो वर्ड यूज एक्ट डन बाई द प्रॉफेट मोहम्मद साहब दैट इज कम अंडर दफ़ सुन्नत ठीक है तो उसको भी हमें फॉलो करना होगा दैट इज दी सोर्स ऑफ द इस्लाम ठीक है कई सारे हदीस के भी सुन्नत के भी प्रकार हैं तो उस पर बहुत ज्यादा हम डीप में जाने की जरूरत अभी हमें है नहीं है ना तो उसका कोई मुझे रेलिवेंस भी नहीं जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं तीसरा जो है वो है इज्मा क्या है इज्मा एक बार वंस आई वाज ट्रैवलिंग टू द ट्रेन तो एक बड़ी प्यारी सी बच्ची थी तो इतनी सुंदर थी छोटी सी थी तो उसकी माँ उसको उसके पापा गोद में लिए थे तो मैंने उससे पूछा कि नाम क्या है इसका तो उसने उन्होंने बोला इजमा क्या बोला इज्मा तो so, चूंकि अभी कैंस्टेंस है तब मैं मुस्लिम लोग पढ़ाता था तो मुझे वो याद रह गया ठीक है मुझे वो जो है याद रह गया लुक सो so, अब मैं आपको बताता हूँ वॉट इफ द इजमा

तो उसके संदर्भ में जो मुस्लिम ज्यूरिस्ट ने जो मुस्लिम ज्यूरिस्ट के एन एनिमस डिसीजन हैं दस डिसीजंस ऑफ द मुस्लिम स्कॉलर्स इज नोन as the इज़्मा। वाई सो जरूरत क्यों पड़ी किसी भी स्कॉलर में इतना दम नहीं को इस्लाम को इस, आ, कुरान को बाईपास कर दे पहली बात फिर मैं कह रहा हूं बट इफ देर इज नो गाइडलाइन इंबोडाइड इन द कुरान There is no rule and regulations. रेगुलेशन देर इज नो मैसेज इन दून अब वो चीज तो अन हो गई ना उसपेजन भी आने चाहिए उस पर ओपिनियन भी मेक होनी चाहिए so, है so, is isma? Isma is ठीक है जो उनके डिसीजन निकल कर आए हम चार लोग बैठे are आर दी फोर आर दी scholars of ऑफ Muslim रिलीजन ठीक है हमारे सामने एक इशू निकल कर आया कि सोचो सपोज करो हमारे सामने एक इशू निकल कर आया ठीक है मेरी बात सुनो कैसे कुरान ने शराब को सिन माना है पाप माना है इसलिए इस्लाम में शराब हराम है मेरी बातों को सुनो ध्यान से सुनो कुरान ने शराब को हराम माना है ध्यान से सुनना तो कुरान के अनुसार जो है इस लिकर इज सिन फॉर द मुस्लिम्स कोई बात नहीं कुरान प्रोहिबिटेड प्रोहिबिटेड डिली कर लेकिन सोसाइटी डेवलप हुई नया ड्रग्स डेवलप हो गया बोलो इसके बारे में बताओ अब कुरान तो साइलेंट है अब कोई हम लोग के दफा चालू आदमी बोला करे कुरान कहाँ मना कर रहे हैं इसको तो पीने दो नहीं समझे, सो so, अब जरूरत किस बात की पड़ी वी नीड दी इंटरप्रटेशन कुरान तो साइलेंट है मोहम्मद साहब वो करते नहीं तो उनकी लाइफ स्टाइल से भी मैसेज नहीं मिल रहा हमको है ना तब हमें जरूरत पड़ेगी इज्मा की इफ दैट इजमा इज दिमस एनिमस डिसीजन ठीक है ऑफ मुस्लिम ज्यूरिस्ट मुस्लिम स्कॉलर्स के जो एक राय ओपिनियंस निकल कर आती है दैट इज नोन एज दी इजमा ठीक है तो उस बच्ची ने जो मेरे मैंने इसके पूछा इसका नाम क्या है तो उन्होंने लेडी बताई कि इज्मा ठीक है तो इज व्हाट इज द इज्मा इज्मा इज द एन डिसीज़न्स ऑफ द मुस्लिम ज्यूरिस्ट तो अब प्यारे बच्चों आप कहोगे सर जरूरत क्यों पड़ी बिकॉज कुरान रिमेंस साइलेंट सुन्नत से हमें कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है और हमें कुछ ओपिनियन चाहिए सो देन देन वी हैव इज्मा तब हमें जरूरत पड़ती है आप देखते हो कि कई बार फतवा रिलीज होता है होता है फतवा रिलीज होता है कि फतवा रिलीज होता है कई बार देखते ना कि हवाई जहाज में यात्रा जो है इस्लाम के खिलाफ है देखते हैं ना ये क्यों फतवा रिलीज होता है कभी सोचते हैं आप क्योंकि इस्लाम में कुरान में हवाई जहाज की यात्रा का कोई वर्णन नहीं, नहीं है, है? उस समय हवाई जहाज था क्या नहीं तो अब हमें हवाई जहाज के संदर्भ में एक ओपिनियन चाहिए तो जो मुस्लिम इमाम्स होते हैं वो ओपिनियन डिक्लेयर कर देते हैं है ना कि हाँ ठीक है ओके है नॉट ओके है समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो तो व्हाट इज फतवा जो है इसी इज्मा और कियास का जो है प्रकार है वो देखते हैं ना आप सुनते होंगे फतवा जारी किया बोलते ही नहीं बोल ही नहीं रहे यार देखो ऐसा है ना कि आपको गुड लिसनर तो बनना पड़ेगा ठीक है आपको गुड लिसनर तो बनना पड़ेगा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा अदरवाइज ना no, मेरी एनर्जी भी लो हो जाएगी दिस इज माय फर्स्ट क्लास आप ऐसे पार्टिसिपेट ना करो कि मैं थोड़ा सा दुखी हो जाऊँगा आपसे तो थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर लो हाँ ना का जवाब देते रहो बाकी मैं काम करता रहूँगा अपना <laughs> खैर कोई नहीं सो so, इजमा क्या है इजमा जो ज्यूरिस्ट हैं इजमा भी कई तरीके की एक देखो इजमा क्या इजमा इज दिमस डिसीजन ऑफ द मुस्लिम ज्यूरिस्ट लेकिन इसके और भी कई प्रकार हैं इजमा क्या एन एनिमस डिसीजन एक तरीके से वो पालन करने वाली बातें जो जन सामान्य पब्लिक में हैं पीपल एट लार्ज में है तो इजमा भी कई तरीके की, की एक जो कॉमन पीपल जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं लोगों ने ही अपने आप से कुछ नियम कानून ऐसे बना लिए उस पर चल रहे हैं कोई दिक्कत उसमें है नहीं कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स इजमा देते हैं कि ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए जिसमें पब्लिक इतनी समझदार नहीं है इमाम्स की ओपिनियन चाहिए तो वो एक इजमा का जो है एक अलग रास्ता है ठीक है तो ये इजमा के प्रकार हैं तो इजमा इज द ओपिनियंस फॉर्म्ड बाई द मुस्लिम ज्यूरिट्स ऑन विच सब्जेक्ट रिगार्डिंग दैट सब्जेक्ट्स जिसके बारे में कुरान रिमेन साइलेंट कुरान ने कोई ओपिनियन कुरान है तो मैं फिर कह रहा हूं कुरान मेन एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ द मुस्लिम लॉ कुरान है तो किसी की कोई हिम्मत नहीं व्हेन कुरान आउट इज्मा इन है ना कुरान साइलेंट है तो हमें इज्मा और कयास की जरूरत पड़ रही है एननिमस डिसीजंस का मतलब जिसपे कोई डिस्प्यूट ना अराइज हो हाँ वो मैं समझ गया अगर डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा तो फिर हमको जाना पड़ेगा कयास की तरफ है ना फिर हमें जाना पड़ेगा कयास की तरफ एनानिमस डिसीजन जा रहा है कि जब सबकी एक ओपिनियन हो गई चलो इसको कर लेते हैं तो इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं ऊपर हो रहा है एक तरीके से बहुत ही प्यार से वो चीजें हम लोग अपने डे टू तो डे लाइफ में सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ मुस्लिम लॉ का सोर्स है मेरी बात नहीं समझ रहे वॉट वी आर डिस्कसिंग वी आर डिस्क सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ वट इज दॉ वट वी हैव टू फॉलो तो जो हमें फॉलो करना है जब सब एक राय मान ली सबसियन आ गए so so, लॉ का मसला है तो इसलिए जब सब ने बोला कि हाँ ये देन ओके तो ओके लेकिन उसको भी एक बात को समझो इंडिया के अंदर रूल ऑफ लॉ है ठीक है कोई भी काम जो आपका अगेंस्ट दब्लिक पॉलिसी है वो सस्टेन नहीं करेगा वो सस्टेन नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल इट इज प्रोटेक्टेड योर पर्सनल लॉस इस बात को समझो ठीक है अगर कहीं से मतलब जिस तरह से फतवाज आते हैं तो वो हर चीज प्रोटेक्टेड नहीं है ठीक है तो दे फोर सोर्सेज ऑफ प्राइमरी लॉ नंबर एक आपका कुरान नंबर दो सुन्नत तीसरा इजमा और चौथा कयास ठीक है इसके बारे में हम दिस इज वेरी कॉमन वर्ड प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी अक्सर लोग इसको जो है यूज़ करते हैं करते हैं ना बोलते हैं कयास लगाना है ना तो कयास जो है बेसिकली जो है दिस इज द डिडक्शन ऑफ द कन्वर्सेशन अब देखो यहां पर क्या है उधर देखो उधर देखो अभी इजमा में क्या था इजमा ऑफ एनोनिमस डिसीजन ऑफ द मुस्लिम ज्यूरिस्ट मुस्लिम पीपल है ना लेकिन कयास में क्या है कयास जो है आपका लुक मेरी बात सुनो कोई समस्या हमारे सामने आ गई there was there's an issue ठीक है इधर सुनो कोई समस्या हमारे सामने आ गई व्हिच इज नॉट डिसकस्ड इन दी कुरान सुन्नत इजमा ठीक है कोई समस्या हमारे सामने आ गई अब हम उसको कैसे डील करेंगे हमें प्रेसिडेंट्स की ओर जाना होगा प्रेसिडेंट्स का माने हमें सिमिलर इश्यूज को लुक करना होगा ठीक है और उस सिमिलर इश्यूज को लुक करके एक डिडक्शन एक सिमिलर ओपिनियन हम एक फॉर्म करेंगे ठीक है कि इसका ये मतलब है तो इसका भी ये मतलब हो सकता है इसका ये मतलब है तो एग्जाम्पल जैसे हो सकता जैसे उदाहरण के लिए कैसे मैं बता रहा हूं कैसे इस्लाम के अंदर स्मोकिंग का जिक्र कुरान के अंदर नहीं है मेरी बात तो एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा नाउ वी आर डिस्कसिंग दी कयास ठीक है नाउ वी आर डिस्कसिंग कयास आई एम टेलिंग इट टू यू वन थिंग वेरी क्लियर कि लुक लिकर इज प्रोहिबिटेड इन द इस्लाम इट इज डिक्लेयर्ड एज अ सिन इन द इस्लाम इस्लाम के अंतर्गत लिकर हराम है ठीक बट कुरान रिमेन साइलेंट रिगार्डिंग द स्मोकिंग सो अब स्मोकिंग का कैसा पता कर कैसे पता करें दे टू डिसाइड अबाउट द स्मोकिंग कयास अब क्या होगा वी विल लुक इन टू दिमिलर प्रॉब्लम दैट इज दीकर कि लीकर इज द प्रोहिबिटेड और लेकर का जो सब्सटेंस है वो दिमाग पे असर करता है मनुष्य के मस्तिष्क पे असर करता है दैट्स वाई प्रोहिबिटेड बाय द इस्लाम सो सेम थिंग इज स्मोकिंग सो स्मोकिंग इज आल्सो प्रोहिबिटेड तो हमने क्या करते हैं वी जो है एनालॉजिकल डिडक्शन निकालते हैं वी विल डू ए कॉम्परेटिव एनालिसिस विद सिमिलर इशू देन वी फाइंड ए रिजल्ट ठीक है तो कयास क्या है कयास जो है एक एनालॉजिकल डिडक्शन है विद द हेल्प ऑफ सिमिलर इश्यूज अभी मैं एक दिन कोई कुछ देख रहा था तो सेम क्वेश्चन ना एक मुस्लिम मुफ्ती साहब बड़े आ, फेमस हैं आप बहुत फेमस हैं वो आता है तो उनसे पूछा गया कि क्या इस्लाम में सिगरेट पीना क्योंकि शराब भरी सेम क्वेश्चन था कि शराब हराम है तो क्या सिगरेट भी है तो बोला शराब पी के दिमाग ख़राब हो जाता है और सिगरेट पीने के बाद दिमाग के इन ऑर्डर आ जाते हैं <laughs> सारे ताकत तार ठीक हो जाते हैं तो मैंने कहा ये तो खैर इट जस्ट फॉर किडिंग है, है मजाक के लिए है जो उन्होंने बोला आपके ध्यान को थोड़ा सा भटकाने के लिए लेकिन वॉट इज दयास वी एनालॉजिकल डिडक्शन ऑफ द सिमिलर प्रॉब्लम आफ्टर दैट वी डिड्यूस अ रिजल्ट एंड दैट इज द कंक्लूजन दैट इज दयास बट वैन वी लुक इन टू दियास वैन कुरान रिमेन साइलेंट सुन्नत रिमेन साइलेंट इजमा रिमेन साइलेंट देन वी फाइंड द अदर सोर्सेज दीज आर ऑल द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ द इस्लाम मुस्लिम लॉ ठीक है कितने सोर्स हैं चार।, चार बोलो सब एक साथ बोलो कियास लड़कियां बेचारी जरूर पार्टिसिपेट कहते हैं ठीक है सर जी आप पढ़ाओ ज्यादा ना बताओ <laughs> है ना खैर कोई ना मैंने आपको बताया सोर्सेज ऑफ इस्लाम मुस्लिम द टू कैटेगरीज प्राइमरी एंड सेकेंडरी फोर प्राइमरी सोर्स कुरान इन कियास एंड फोर सेकेंडरी सोर्सेस मॉडर्न सोर्स ठीक है जो मॉडर्न सोर्स भी हमसिडर जिन्हें करते हैं ठीक है, चार सोर्स भी है, जो रहता है में. और पहला क्वेश्चन यही होता है. और सिंपलर डिफरेंस अभी आप सुनना वॉट इज दिमस डिसीजनिमस फॉलोइंग कोई डिस्प्यूट नहीं कुछ नहीं करना एक इशू पे हम सब ने एक ओपिनियन बना लिया दैट इज दी इजमा कहीं कुछ नहीं देखा कहीं हमने कुछ नहीं देखा कयाफ जो है हमारे पास उस इश्यू का रिसोर्स नहीं है हमने सिमिलर प्रॉब्लम को देखा हम और आप टुगेदर हमने प्रॉब्लम देखा उस प्रॉब्लम को एनालाइज किया फिर हमने और आपने डिसीजन निकाल लिया तो एनालॉजिकल डिडक्शन है कहीं से हम अपने सोर्सेज को डिराइव कर रहे हैं हम चीजों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं और क्या में क्या है इज्मा में क्या है एनोनिमस ओपिनियन है? है हम और आप मिलकर कोई चीज फॉलो करने लगे दैट इज बिकम्स और बिकम द इजम दिकमें हाँ मेन साइलेंट का मतलब कि दैट थिंग्स आर अनक्लियर वेक एंड एमबिगियस देन वी लुक इन टू इफ कुरान क्लियर बात बोल रहा है जैसे मैरिज है मैरिज के विषय में कुरान ने सारी बातें कही दी

ठीक है सेकेंडरी सोर्स आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू दी फोर कैटेगरीज सेकेंडरी सोर्स को ही हम मॉडर्न सोर्स भी कहते हैं ठीक है लेजिस्लेशन सेकेंडरी सोर्स में है तो लेजिस्लेशन क्या है वॉट इज दलेशन लेजिस्लेशन इज द मॉडर्न सोर्स ठीक है तो हम देखने जा रहे हैं सेकेंडरी सोर्स देखो सेकेंडरी सोर्स जो है इस ये हमें मॉडर्न सोर्स भी हम सेकेंडरी सोर्स को ही कहते हैं सेकेंडरी सोर्स में डियर स्टूडेंट्स जब आप आर्टिकल थर्टीन कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ेंगे ठीक है तो जब आर्टिकल थर्टीन का क्लास थ्री पढ़ेंगे तो आर्टिकल थर्टीन क्लास थ्री में तुम्हें डेप मीनिंग ऑफ लॉ बताया गया है ठीक ध्यान सुनना तो मीनिंग ऑफ लॉ में आपने देखा मीनिंग ऑफ लॉ में कस्टम्स को भी डाल रखा है आपका कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड वो तक कस्टम्स को लॉ की क्राइटेरिया में रखता है तो इंडिया के अंदर कस्टम्स विच इज प्रिवालेंड फ्रॉम दॉट द पब्लिक पॉलिसी वो लॉ का रूप ले लेती है सेक्शन थ्री ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट कस्टम को इंस्टीट्यूट में डाल दिया सेक्शन थ्री में डाल दिया समझ रहे हो हो कि नहीं समझ रहे हुआ? तो कस्टम इज इक्वली इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द मुस्लिम लॉ तो कस्टम को हल्के में नहीं ले सकते कि मेरे और आपके द्वारा कुछ बातें मानी जा रही हैं तो कस्टम हो गई ना कस्टम ने अपने आप को लॉ के रूप में डेवलप कर लिया इवन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थर्टीन क्लॉस थ्री लॉ के फॉर्म में कस्टम को भी डाल रहा है तो दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑफ द कस्टम तो कस्टम इतना हल्का सोर्स नहीं है तो सेकेंडरी सोर्स का जो सबसे मुख्य सोर्स है तो मेन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द सेकेंडरी सोर्स दैट इज कस्टम बट जो कंडीशन कस्टम की है है ना उसकी क्राइटेरिया टाइम से होना चाहिए कंटिन्यूटी होना चाहिए नॉट पब्लिक पॉलिसी होने चाहिए नॉट अगेंस्ट दी लॉ होना चाहिए वो सारी क्राइटेरिया वो सारे क्वालिटीज यहाँ की कस्टम में भी होनी चाहिए तो मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी सोर्स जो है वो मॉडर्न सोर्स के रूप में भी कंसिडर होते हैं उसमें जो पहला सोर्स है वो है कस्टम ठीक है तो कस्टम जो है इधर सुनो जो सबसे देखो प्यारे बच्चों डियर स्टूडेंट्स कोई भी सोसाइटी बनती है वहाँ के सिविलियन से है ना जब भी वन यू यूज़ टू रीड द हिस्ट्री यू रीड दी सिविलाइजेशन ऑफ द मैसोपोटामिया है ना दजला फरात रिवर्स अगर आपने पढ़ा होगा ठीक से हिस्ट्री जब पढ़ते होंगे तो आप एक बात देखते होंगे प्यारे बच्चों जो दुनिया का सबसे खूबसूरत इलाक़ा हुआ करता था जो जिस पे जिसको दजला फ़रात नदियाँ जो रिवर्स जो उस पर चारों तरफ बहती थी वो एरिया था मेसोपोटामिया का वही एरिया है आज मिडिल ईस्ट का मिडिल ईस्ट आज पूरी तरह तबाह है मिडिल ईस्ट जो कल पूरा प्रोस्परस था आज पूरा तबाह है कुछ कंट्रीज को छोड़ दिया जाए तो पूरी तरह तबाह है आप देख ही रहे हैं आप तो मेरी न्यूज आप डेली देखते होंगे तो बस मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ पहले भी इनकी सोसाइटी अरेबियंस की बार थी इस्लाम के आने के बाद इन्होंने सभ्यता सीखी इस्लाम के आने के बाद इन्होंने सिविलाइजेशन सीखा कुरान उसमें इतना बड़ा रोल प्ले किया इसीलिए कुरान को हम लॉ के फॉर्म में भी रहते हैं क्योंकि कुरान तो इनके क्राइम को भी डील कर रहा था यानी कि दैट समथिंग विच वाज अनकोडिफाइड कंप्लीटली बारबेरियन सोसाइटी उनको एक इंस्टीट्यूट मिल गया इन ऑफ कुरान जिसको फॉलो करना था रिशीव इंस्टीट्यूट है ना सोचो पीछे जाओ टोटल किया सोसाइटी नो लॉ एंड ऑर्डर

कस्टम्स वॉज द मेन इंपॉर्टेंट सोर्स अरेबियंस वाज दोस्टली बारबेरिक सोसाइटी दे यूज टू फॉलो द कस्टम्स जो पैसे चला रहा है उसी को जो फॉलो करते थे लेकिन वट वॉज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ द कस्टम कस्टम्स इज समथिंग विच वॉज प्रिवलेंट फ्रॉम द एजेस इन दी सोसाइटी बेसिकली दंट्री जो पहले पे चला रहा है उसको हम मानते थे ठीक है एक बात दूसरा इट शुड बी इम मेमोरियल माने याद नहीं होना चाहिए कि पिछले तीन साल से चार साल से पांच साल से हम कब से इसको फॉलो कर रहे हैं माने होना चाहिए और एनसेंट में भी ऐसा कि पता ना हो कब से चल रही चली आ रही है सेकेंड थर्ड कंटिन्यूटी होनी चाहिए कंटिन्यूटी माने आज चली कल ब्रेक हो गई फिर चली फिर ब्रेक ये नहीं ना कंटिन्यू ठीक है एनसेंट होना चाहिए ठीक है कंटिन्यूटी होनी चाहिए कस्टम में आज के हिसाब से नॉर्थ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होनी चाहिए प्रिवॉलेंस इन दी कंट्री चारों तरफ उसको प्रचलन में होना चाहिए ठीक है और एनसेंट होना चाहिए और सुनो इनवेरिएबल भी होना चाहिए ये नहीं कि आज कस्टम ये है और कल ये हो गई मतलब चेंज होता था ना यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म प्रोसेस के साथ कंटिन्यूटी के साथ एक कस्टम चली आ रही है ना कस्टम में कोई चेंज है ना कस्टम में कोई ब्रेक है कस्टम को कस्टम बनने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होनी बड़ी जरूरी हैं जैसे कंटिन्यूटी जैसे एनसेंट्रेस उसका पुराना होना भी बड़ा जरूरी है शुड बी प्रीवेलेंट इन दोसाइटी ठीक है और नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी ठीक है सती ऑफ कस्टम बट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी हमने हटा दिया अगर सही पूछो तो अनटचेबिलिटी ऑफ दी कस्टम नाउ इट इज ए सेवेंटीन अनटचेबिलिटी ऑफ दी कस्टम इवन स्टिल सोसाइटी बट अगेंस्ट दॉ है पब्लिक पॉलिसी सो द मेन एंड प्राइमरी मेन एंड इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द सेकेंडरी सोर्स ऑफ दस्टम्स कस्टम्स सबसे प्राचीन है कस्टम्स में कुछ क्वालिटीज होती थी एक तो इसमें एं, इसका एं, एंसेंट होना चाहिए कंटिन्यूटी होना चाहिए प्रिवलेंस इन दोसाइटी होना चाहिए है ना यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए एक ही प्रोसेस यूनिफॉर्मिटी कंटिन्यूटी मतलब समझते हैं जैसे आज चली वैसे ही फॉलो हो रही है कंटिन्यूटी माने ब्रेक नहीं आ रहा रेगुलर चल रही है ठीक है और नॉट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी होना चाहिए कस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है चाहे वो हिंदू लॉ हो चाहे वो मुस्लिम लॉ हो एक क्वेश्चन आपका मेंस में सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ से सोर्सेज ऑफ लॉ से आता है चाहे वो हिंदू से पूछे और या वो मुस्लिम से पूछे एक क्वेश्चन तो पक्का है उसमें दो भाग पार्ट में क्लासीफाई कर रहे हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेकेंडरी सोर्स इज कस्टम्स मेन सोर्स ठीक है एक बात को समझो बाद में इन कस्टम्स को हमने कोडिफाई करने की कोशिश करी इन कस्टम्स को हमने कोडिफाई करने की कोशिश करी और जो है कोडिफाई करने के बाद जो जो धीरे धीरे एक्ट आया ना उसमें डालने की कोशिश करी सरियत एक्ट, एक्ट 1937 उस समय की जो इस्लाम से जुड़ी हुई कस्टम्स थे उनको उनको कोडिफाई किया और उठा के हमने सरियत एक्ट में डालने की कोशिश करी तो इनका ये कस्टम्स जो थी सरियत एक्ट इस्लाम के मसलों से जुड़ा हुआ था उसमें भी जैसे आपका मैंने बार बार बताया मैरिज डाइवोर्स वक्फ मेहर ये सारे मसले जो थे वो इनसे डील होते थे और बहुत से जैसे मसले हैं आज भी कोई मुस्लिम क्राइम करता है तो क्या पर्सनल लॉ से डील होता है ना आईपीसी है उसके लिए भी है मेरे लिए भी है नहीं नहीं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है दूसरा जब धीरे धीरे डेवलपमेंट्स हुए प्यारे बच्चों मेरी तरफ देखो ध्यान से शुरुआत में मैंने कहा कि प्राइमरी सोर्स जो है इस्लाम का वो है कुरान ठीक लेकिन कुरान का जब सोर्स है तो सो चीज़ें हो जाएंगी फिर हमने कहा कि मॉडर्न सोर्स आए जिन्हें हम सेकेंडरी सोर्स भी कहते हैं इसको भी हमने कई पार्ट्स में क्लासिफाई किया पहला बोला कस्टम दूसरा बोला जुडिशियल डिसीजन्स क्या बोला जुडिशियल डिसीजन्स फिर मैंने कहा किसी मेरे डियर स्टूडेंट ने मेरे से पूछा अभी ऑनलाइन में मेरे से बोला कि सर क्या कुरान में भी वेरिएशन हैं मैंने कहा प्यारे बच्चे मैं जहां तक जानता हूं मैंने कुरान तो नहीं पढ़ी लेकिन मुस्लिम लॉ जरूर पढ़ा है तो इस्लाम तो नहीं जानता लेकिन इस्लामिक लॉ जरूर जानता हूं थोड़ा बहुत तो मैं उस आधार पर कह रहा हूं इस्लामिक कुरान इफ दोर मेन इंपॉर्टेंट सोर्स इवन मैंने कहा सेकेंडरी सोर्स दैट इज कस्टम आफ्टर दैट जुडिशियल डिसीजन जुडिशियल डिसीजन कम आफ्टर द लुकिंग इन टू कुरान ये जुडिशियल डिसीजन कुरान को बाईपास नहीं कर सकते कौन पे जुडिशियल डिसीजन विच इज रिलेटेड टू द मुस्लिम मुस्लिम पर्सनल इश्यूज तो अगर जुडिशियल डिसीजन आ रहा है दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द मुस्लिम लॉ फॉर द करेंट सिनेरियो साब आनो जजमेंट जजमेंट ही जजमेंट है अब वो वो माने जा रहे हैं नहीं माने जा रहे तो जुडिशियल डिसीजन इज द मोस्ट और सुनो जुडिशियल डिसीजन एंड कस्टम इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ ठीक है जुडिशियल डिसीजन एंड कस्टम आर ऑल्सो द इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ same like hindu law. the judicial decisions are the important source of the muslim law. Theke? what if the judicial decisions, not only dear student, do you know about the stare decisis? what if they say Precedents. precedence. okay, pre-decided cases. in one line, what if the obiter dicta? an part of the judicial decisions, that is the obiter dicta, like cbi of the case, parrot, a statement is this? supreme court ka.

तुम तो लोग बोर हो रहे हो क्या हालांकि समय हो गया दो मिनट लगेगा तो हम वापस आते हैं दे इज फोर सोर्सेज ऑफ़ द मुस्लिम लॉ ऑफ द सेकेंडरी सोर्सेज नंबर वन कस्टम नंबर टू जुडिशियल डिसीजंस ठीक है बहुत सारे जो जुबैदाबीबी भी भी हमें थी. जितने जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के वो सब जुडिशियल डिसीजनस हैं प्रेसिडेंट से नहीं है बस इतनी सी बात है इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है लेजिस्लेशन रोज नया कानून भारत की सरकार बना रही है 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 ना After judgment, है ना After judgment, है ना जजमेंट जजमेंट हर जजमेंट के बाद हर जजमेंट के बाद हमारी सरकार लेजिस्लेशन लेके आती है तो वो लेजिस्लेशन इज आल्सो द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द मुस्लिम लॉ हम देखते हैं चाइल्ड मैरिज रिस्टेशन एक्ट आपका ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 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 शरीयत ये ये सब क्या है? ये सब क्या हैं जो किसको डील कर रहे हैं मुस्लिम जुड़े जुड़े पर्सनल इश्यूज को तो ना केवल कुरान बल्कि लेजिस्लेशन इज ऑल्सो दी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ तो प्यारे बच्चों सोर्सेज ऑफ लॉ मुस्लिम लॉ इज क्लासिफाइड इनटू दी टू कैटेगरीज नंबर वन प्राइमरी प्राइमरी सोर्सेज आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू दी फोर कैटेगरीज बोलो जल्दी बोलो

है ना प्यारे बच्चों और जो चौथा सबसे मेन इंपॉर्टेंट सोर्स है वो जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइंस है डियर स्टूडेंट्स मेरी बात ध्यान से सुनो अब आज के टाइम में मेरी थोड़ी देर लगेगा पांच मिनट क्लास ओवर हो गई अब इसके बाद परेशान होने की जरूरत है नहीं ज्यादा आज के टाइम में अरे मेरी बात सुन लो भैया क्या नाम है तुम्हारा शिवम तो शिवम मैं ना आप ध्यान आकर्षण प्रस्ताव मत लाएं अटेंशन सीकिंग बिहेवियर मत करें यू आर करेंटिंग इन द फर्स्ट रूप है ना तो मुझे लगता है मैं भी सुन लू क्या बात हो रही है <laughs> तो ध्यान जाता है बस इतने से कह रहा हूं चुपचाप बात कर लिया करो पता ना पड़े कोई दिक्कत नहीं मेरी बात सुनो प्यारे बच्चों इंग्लैंड की चांसली कोर्ट में ठीक है इक्विटी के प्रिंसिपल्स डेवलप हुए क्योंकि इक्विटी जस्टिस इन गुड कंसर्न चर्चा कर रहे हैं ना तो मैं इस बात में बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स उस समय तक क्वॉडिफिकेशन ऑफ लॉ बहुत ज्यादा हुआ नहीं था

डिसाइड दिज इशूज विद इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइन इक्विटी के साथ डिसाइड करते हैं और वॉट इफ द इक्विटी तो इक्विटी के साथ डिसाइड करने के लिए एक बात याद रखना जब हमने क्या बताया याद रखना इसको ऐसे फॉलो करना हमेशा के लिए so, मैंने यह बताया कि वेन देर इज नो लॉ इन फ्रंट ऑफ दर्ट टू डिसाइड एन इशू देन कोर्ट फॉलोज द इक्विटी वेन देर इज नो लॉ इफ देर इज लॉ इक्विटी फॉलोज दॉ ऑलवेज मेरी बात नहीं समझा पाया मैं अभी तुमको नहीं समझा पाया लॉ इक्विटी फॉलो ऑफ द लॉ इक्विटी कब आई वेन देर इज नो लॉज उस विषय में पुरानी बात है अब तो सारी चीजें डिसाइड हो गई हैं उस समय जाके देखो तो इक्विटी फॉलो ऑफ द लॉ वेन देर इज नो प्रॉपर गाइडलाइन लेजिस्लेशन जुडिशियल डिसीजन बट कोर्ट हैज टू लुक इट ऑन दैट इश्यूज

अब डिसीजन मेरी बात सुनो किसी विषय में क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट का एपेक्स कोर्ट का डिसीजन है देयर क्लियर कट डिसीजन ऑफ द एपैक्स कोर्ट ऑन सर्टेन इशू व्हाई वी वुड फॉलो द इक्विटी जस्टिस इन गुड कंसाइन वी वुड फॉलो दैट डिसीजन है ना तो जो चौथा एंड मेन इंपॉर्टेंट सोर्स है इक्विटी जस्टिस इन गुड कंसाइन इसका ओरिजिन ओरिजिनेशन जैसे हुआ उसी तरीके से इसका एप्लीकेशन है <laughs>